अतीक अहमद के बेटे असद का शव आज कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। असद का शव कड़ी सुरक्षा के बीच झांसी से प्रयागराज लाया गया। कब्रिस्तान के मुख्य गेट पर पुलिस और आरएएफ का पहरा है। किसी भी अनजान शख्स को कब्रिस्तान के आसपास जाने नहीं दिया जा रहा। जो लोग मिट्टी में शामिल हो भी रहे उनकी पुलिस वीडियोग्राफी और नाम पता नोट कर रही है। साजिश परवीन के आने की आशंका पर पूरे चकिया में फोर्स तैनात की गई है। सुरक्षा शांति व्यवस्था है, सुरक्षा के लिए आरएफ की पीएससी की डिप्लॉयमेंट की हुई है और बाकी क्रिमेशन का कार्रवाई जो है वो चल रही है उसकी, और अभी बॉडी आई है तकरीबन 20-25 मिनट पहले। इसी तरह की इनपुट है जिसके चलते इतना बड़ा सुरक्षा का इंतजाम किया गया कि साजिश परवीन पहुंच सकती है क्या? नहीं, ऐसे कोई इनपुट नहीं है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और उसके लिए जो पुलिस फोर्स की है। नहीं, ऐसी कोई अभी सूचना नहीं है। एग्जैक्टली नाम नहीं बता पाऊंगा, पर असद के नाना जो है और उनके साथ के जो रिश्तेदार है वो आए। पूरे चकिया में फोर्स तैनात की गई, कुछ खास? थैंक यू। कब्रिस्तान के बाहर कमिश्नर रमेश शर्मा, जॉइंट कमिश्नर आकाश कुलहरी खुद निगरानी कर रहे हैं। कल जिस तरह से अतीक के घर पर भीड़ इकट्ठा हुई थी उसको देखते हुए आज पुलिस ने अपनी रणनीति बदलकर निगरानी बढ़ा दी और भीड़ इकट्ठा ना हो इसका प्रयास किया। तमाम लोग हैं।